नमस्कार, स्वागत है मनी गुरु में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। आज हम बात करेंगे लोन गारंटर की। आपका कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार अगर लोन लेना चाहता है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसके गारंटर बन जाए, तो आपको संभलने की जरूरत है। लगातार लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से गारंटर बनने के जो नियम है उन्हें सख्त कर दिया गया है। क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किसी और के गारंटर अगर आप बन रहे हैं तो ये आपके लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ है bankbazaar.com की श्रीमोई मुखर्जी। बहुत स्वागत है श्रीमोई आपका हमारे शो पर। थैंक यू। और आगे श्रीमोई मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगी कि क्या नुकसान हो सकता है मुझे अगर मैं किसी की गारंटर बनने जा रही हूं। लेकिन सबसे पहली चीज, जरूरत क्यों पड़ती है लोन लेने पर गारंटर की? क्यों कुछ लोग जब बैंक के पास जाते हैं तो उनका लोन अप्रूव हो जाता है और कुछ लोग जब पहुंचते हैं तो बैंक कहता है हम आपको लोन नहीं दे सकते, किसी गारंटर की जरूरत है? गारंटर रिक्वायरमेंट के काफी सारे कंडीशंस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि जैसे एजुकेशन लोन में, जहाँ पे बोरोअर जो है वो खुद उनका कोई इनकम नहीं रहता है। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि जो बोरोअर है उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सफिशिएंट नहीं है, या जो इनकम है वो लोन के मात्रा के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि लोन की जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, तो ये सब कारणों में गारंटर की आवश्यकता पड़ सकती है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब बैंक कहता है कि गारंटर की जरूरत है तो लोग किसी अपने, किसी रिश्तेदार, किसी बहुत करीबी दोस्त के पास जाते हैं। और श्री मोई, ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक में जाकर के सिर्फ एक कागज के ऊपर दस्तखत कर देना है और हम गारंटर बन जाएंगे। कोई इसमें तफ्तीश भी लोग नहीं करते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि उनके लिए ये किस तरह से नुकसानदेह है। मैं अगर बात करूं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जब मैं गारंटर तो बनूं लेकिन अगर डिफॉल्ट करता है लोन तो मुझे पैसे ना चुकाने पड़े, कोई दूसरा, कोई बीच का रास्ता जब मैं गारंटर भी रहूं और पैसे की देनदारी मेरी ना बने, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक्चुअली ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये गारंटर बनते वक्त आप कागज पे साइन कर रहे हैं ये बोल के कि आपको पूरा समझ में आया है कि गारंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरा ये है कि आप पूरा सोच समझ के ये गारंटर होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये निभाएंगे, और जो कर्जदार है उनके कर्ज ना चुकाने पे आप वो कर्ज का भरपाई करेंगे। ये गारंटर होते वक्त ये आप साइन कर रहे हैं बैंक के पास, तो इस को साइन करने के बाद आप पीछे हट तो सकते हैं, पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंक का इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे, आपने क्योंकि साइन किया है पेपर्स, वो आप कंडीशन को निभाना आपको पड़ेगा। पर कुछ कंडीशन मैं चाहूंगी कि नॉन फाइनेंशियल गारंटर के बारे में भी आप थोड़ा बताएं कि क्या नॉन फाइनेंशियल गारंटर होता है और क्या होता है फाइनेंशियल गारंटर, इन दोनों के बीच का फर्क समझाएं। तो फाइनेंशियल गारंटर में, जिसमें जैसे नॉर्मली हम जब पर्सनल गारंटी को रेफर करते हैं तब वो फाइनेंशियल गारंटर होता है। फाइनेंशियल गारंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि कर्जदार के कर्ज ना चुकाने पे वो गारंटर कर्ज चुकाएंगे, ऐसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो साइन कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल गारंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि सिर्फ बोरोअर और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच का वो जैसे कोई कम्युनिकेशन है कि लायज करना ही सिर्फ उनका काम है, उसमें उनके ऊपर कोई कर्ज चुकाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है नॉन फाइनेंशियल गारंटी में। तो क्या आप लोगों को ये रिकमेंड करेंगी कि अगर उनका कोई करीबी, कोई रिश्तेदार उनके पास आए, रिक्वेस्ट करे कि देखो प्लीज मुझे लोन लेना है, मिल नहीं रहा है, प्लीज मेरे गारंटर बन जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं नॉन फाइनेंशियल गारंटर बनने के लिए तैयार हूं, इतना ओपन रहना चाहिए, इतनी साफ बात करनी चाहिए?
जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कम्युनिकेशन इसमें तो साफ होना ही चाहिए, बट नॉन फाइनेंशियल गारंटर और फाइनेंशियल गारंटर के रिक्वायरमेंट क्योंकि बहुत अलग है, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल गारंटर बनने का अगर रिक्वायरमेंट वही है कि आपको फाइनेंशियल गारंटर बनना है, उस केस में भी आपको पूरे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अगर जो बोरोअर है वो कर्ज नहीं चुका पा रहे, जो अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो आप पे इसका क्या असर पड़ सकता है, वो समझना एक बोरोअर के लिए, एक गारंटर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जब आपने ऐसी बात कही है श्रीमोहित, तो प्लीज ये भी आप बताई दें कि अगर मैं किसी की गारंटर हूं और उसका लोन डिफॉल्ट कर जाता है, ऐसी कंडीशन में मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है? अगर आप किसी के गारंटर है और वो लोन में डिफॉल्ट होता है, पहली बात तो ये है कि आप पे वो कर्ज चुकाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होता है। किसी कारण से अगर ये डिफॉल्ट हुआ और आपके क्रेडिट स्कोर पे भी असर आ सकता है, क्योंकि आपके क्रेडिट स्कोर में भी दिखेगा कि आपने एक पर्टिकुलर लोन का पर्सनल गारंटी दिया है। उससे आपका क्रेडिट स्कोर को तब तक नहीं फर्क पड़ेगा जब तक डिफॉल्ट नहीं होता है, पर डिफॉल्ट के केस में आपके क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ सकता है। अगर वो पर्सनल गारंटी में आपने अपना कुछ पर्सनल एसेट्स दिखाया हुआ है, जैसे कि आपके कोई, जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट या कोई एसेट्स का, जैसे मॉर्गेज का पेपर्स अगर है, तो आपके निजी संपत्ति पे भी इम्पैक्ट आ सकता है उसका। श्रीमोहित, आपने ये तो बताया कि अगर मैं गारंटर हूं किसी के लोन की, तब तक मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं खराब होगा जब तक लोन डिफॉल्ट नहीं कर जाता है। मतलब मैं ये मान के चलूं कि मेरा स्कोर जितना है लोन खत्म होने तक डिफॉल्ट नहीं करने की स्थिति में वो एज इट इज रहेगा, लेकिन मेरी कर्ज लेने की क्षमता तो कम हो सकती है, या वो भी एज इट इज रहेगी? नहीं, आपकी लोन लेने की क्षमता कम होगी, स्कोर पे असर नहीं पड़ेगा, पर जैसे कि आपने बोला लोन लेने की क्षमता, तो आपकी असर पड़ेगा उस पे, क्योंकि इस कंडीशन में जो आपके क्रेडिट स्कोर में ये दिखेगा कि आप एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट के लिए आपने पर्सनल गारंटी दिया है, तो लोन लेने की क्षमता पे आपका असर पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं किसी के गारंटर बनने जा रही हूं तो क्या आप रेकमेंड करेंगी कि उसके पहले मैं अपना क्रेडिट स्कोर भी एक बार चेक कर लूं, क्योंकि अमूमन हर वक्त तो लोग इसे चेक करते नहीं रहते हैं, मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर क्या है, लेकिन मैं अगर गारंटर बनने जा रही हूं तो उसके पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए, ताकि बाद में एटलीस्ट मैं अंदाजा तो लगा पाऊंगी कि कितनी तब्दीली हुई है, कितना फर्क आया है? जी बिल्कुल, क्रेडिट स्कोर चेक करने से पहले तो गारंटर बनना ही नहीं चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जो बोरोअर है उनका रिपेमेंट कैपेबिलिटी का भी एक असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है गारंटर के लिए। बिल्कुल, तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है अगर आप गारंटर बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज है, आपकी फैमिली इससे इफेक्ट हो सकती है। फाइनेंशियली वैसे भी जब आप कोई भी डिसीजन लें तो हम हमेशा कहते हैं कि चार बार उसके बारे में सोच लें, परख लें, जांच लें और तभी कोई निर्णय लें, और यहां पर भी वही नियम लागू होता है। श्रीमोहित, मुझे ये बताएं कि जैसे होम लोन की अगर हम बात करें, बहुत लंबा चलता है, 15-20 साल के लिए तो अमूमन लोग लेते ही हैं होम लोन, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं किसी की गारंटर बन रही हूं और बाद में मुझे अगर लोन लेना पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में कितना फर्क आएगा मेरे लोन लेने की क्षमता में? जैसे अचानक मुझे अगर पर्सनल लोन लेना पड़ जाए, मैं किसी के होम लोन की ऑलरेडी गारंटर हूं, कितना फर्क पड़ेगा? बैंक मुझसे क्या कुछ कागजात मांगेगा, क्या कहेगा, मिलेगा भी लोन या नहीं मिलेगा, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएं। जरूर, तो इसमें देखिए, आप बैंक से जब भी कोई लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो आपके कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स पे बैंक अमल करता है, जैसे कि आपका इनकम, दूसरा ये है कि आपके बाकी सारे जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको हर महीने निभाना पड़ता है, जैसे कोई भी ईएमआई, कोई भी लोन, जो भी आपको हर महीने आपके जो आय है उसमें से देना पड़ता है, उस ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बैंक ये तय कर पाता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। अगर आपने गारंटी दिया है तो वो गारंटी का ऑब्लिगेशन क्योंकि आप पे है, तो
तो आपका आय के हिसाब से अगर वो ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा होता है तो आपका लोन लेने का क्षमता उतना हद तक कम होता जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, पर लोन मिलने की क्षमता पे असर पड़ेगा। लोन आपको फिर भी मिल सकता है अगर आपका इनकम ज्यादा है। श्रीमोही, मुझे ये भी बताएं कि क्या मैं किसी की गारंटर बन तो गई लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब मैं रिलेशन ऐसा था कि मना नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है एक साल दो साल के बाद कि मुझसे गलती हो गई, क्या मैं बीच में से निकल सकती हूँ? मैं बैंक को जाके रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि भाई मैंने गारंटी उस वक्त तो ले ली थी लेकिन अब जरा मुझे इससे अलग कर दीजिए, पॉसिबल है ये? तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं बैंक से, पर क्योंकि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बैंक ने आप लोन दिया हुआ है, तो बैंक इसमें ये असेस करेगा कि जो कंडीशंस है अभी वो आपके पीछे हट जाने से कैसा रहेगा। तो आप अपने जो जिसके लिए आपने गारंटी दिया है अगर आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लोन को चुका दे तो आप निकल सकते हैं, या उसके कोई बोरोअर के पोजीशन में, इनकम पोजीशन में, जैसे जब लोन लिया था मान लीजिए बोरोअर का इनकम कम था और अभी वो लोन चुकाने के बिल्कुल खुद ही काबिल है, उस पोजीशंस में बैंक ये असेस कर सकते हैं। पर ये बहुत ही जैसे बोलते हैं कि बैंक के डिस्क्रेशन पे होता है ये असेसमेंट, इसके कोई मतलब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं रहते हैं। बिल्कुल, तो बाद में पछताना पड़े ऐसा काम ही क्यों करना, क्यों इस सिचुएशन में फंसना ही, जब आप किसी के गारंटर बने तो अच्छी तरह से सोच समझ करके बने, यही हम आपको कह रहे हैं। और लोन से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरी है तो श्रीमोही हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, बताओ मैं आपको, व्हाट्सएप हम नंबर अपना लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उसके ऊपर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ईमेल आप कर सकते हैं हमें, इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर हम लाइव है तो वहां पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में जाइए अपना सवाल लिखिए और हम उसका जवाब आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौट तो बातचीत का और सवाल जवाब का यह सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए मनी गुरु। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मनी गुरु में। आज हम बात कर रहे हैं लोन गारंटर की, किस तरह से यह आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है और कैसे आपकी लोन लेने की पॉसिबिलिटी इसमें कम हो जाती है, लगातार इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। bankbazaar.com से श्रीमोही हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रीमोही, आगे हम बातचीत को बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जयपुर से अंकित ने हमें फोन किया तो उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है अंकित शो में आपका, बताएं क्या सवाल है। मैम ये पूछा जा रहा था, मैं एक कजिन ने होम लोन लिया था, मैं गारंटर हूँ, गारंटी मैंने दी थी तो अब मैं होम लोन लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे गारंटर के तौर पे बाहर निकल सकता हूँ क्या? अच्छा, आपको भी होम लोन ही चाहिए और आपके कजिन के लोन पर आप गारंटर हैं तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, श्रीमोही कैसे पॉसिबल है? जी, तो जैसे हमने इससे पहले ही डिस्कस किया कि एक बार अगर गारंटर बन जाते हैं तो उससे निकलने के लिए आपको जिसके लिए आप गारंटर बने हैं उनसे बात करके उनको लोन का चुकता करना ही एक ही पॉसिबिलिटी है आपका इस रिलेशनशिप से निकलने का। या तो आप बैंक को आवेदन कर सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी तौर से आपको आजाद कर दे इससे। और क्या चांसेस रहते हैं बैंक आपको छोड़ ही देगा या आपने जो अर्जी लगाई है बैंक के सामने वो मंजूर हो ही जाएगी, चांसेस कितने रहते हैं इसके? ये बैंक तभी करेगा जब बैंक को ये अश्योरेंस मिलता है कि जिस कर्ज के लिए आप गारंटर है उस कर्ज में अभी गारंटर की जरूरत नहीं है, तभी जाके बैंक ये कर सकता है, तभी जाके आप इस रिलेशनशिप से मुक्त हो सकते हैं। कोई दूसरा भी अगर गारंटर बनने के लिए तैयार हो उस लोन के लिए तो क्या उस कंडीशन में भी छुटकारा मिल सकता है किसी एक शख्स को गारंटर की भूमिका से? जी, तभी भी मिल सकता है, कोई और अगर बनने के लिए तैयार हो आपकी जगह पे सब्स्टिट्यूट गारंटर के हिसाब से तो भी ये मुमकिन है।
बिल्कुल, तो कई रास्ते हैं अंकित आपके पास और बैंक से आपको डायरेक्ट बात करनी होगी. आई विश यू वेरी गुड लक कि आपको भी होम लोन मिल सके और बैंक आपकी अर्जी को भी मंजूर करे. और श्रीमोई, अगला सवाल भी मैं शामिल करना चाहूंगी. झांसी से मेल हमारे पास आई है प्रकाश की. ये कह रहे हैं कि अभी तक देखिए इनका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है और लोन अगर ये ले लें तब क्या इनका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा. मेरे ख्याल से ये क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यूज नहीं करते होंगे और शायद यही वजह है कि इनका क्रेडिट स्कोर नहीं है. और समझना ये चाह रहे हैं कि अगर लोन लेने से क्रेडिट स्कोर बनेगा तो उस सिचुएशन में किस तरह का लोन इन्हें लेना चाहिए. क्रेडिट स्कोर जैसे धीरे धीरे बनता जाता है, वो रातों रात तो क्रेडिट स्कोर नहीं बन पाएगा. पर जैसे हम ये ही रेकमेंड करते हैं कि जैसे जैसे मौका आते जाए, आप कोई जरूरत पड़े तो छोटा, जैसे आप कोई ईएमआई लेते हैं कुछ एसी या रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बनता है. कोई क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, आप अप्लाई करते हैं तो उससे क्रेडिट स्कोर बनता है. कोई जैसे आप कोई कार लोन या होम लोन के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप सारे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करते जाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता जाता है. तो क्रेडिट स्कोर बनाने का यही तरीका है जी. तो धीमे धीमे इसकी आपको शुरुआत करनी होगी. और जैसे श्रीमोई ने कहा कि रातों रात तो क्रेडिट स्कोर बन नहीं जाता है और सिर्फ क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए भी लोन लेना एक गलत डिसीजन होगा. अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दिल्ली से विकास ने हमें फोन किया. श्रीमोई रुख कर लेते हैं उनका. विकास, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में. बताएं क्या जानना चाहते हैं. हाँ मैम, एक्चुअली मैंने कुछ एक करीबन एक साल पहले 4.5 लाख रुपए का लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था. और अब मुझे किसी वजह से और पर्सनल लोन लेने की मैं सोच रहा हूँ. तो क्या एक लोन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो दूसरा पर्सनल लोन मैं ले सकता हूँ सर? जी श्रीमोई बताएं, कुछ जरूरत आ गई है, एक पर्सनल लोन ऑलरेडी चल रहा है, अब दूसरे की रिक्वायरमेंट है, मिल जाएगा क्या बैंक से? तो ये दूसरा लोन मिलने के लिए जब आप बैंक के पास आवेदन करने के लिए जाएंगे, बैंक आपका देखेगा. जैसे कोई भी लोन लेते वक्त बैंक देखता है कि आपके इनकम के हिसाब से जो आपके लोन के ईएमआई होगा वो कितना परसेंटेज है. अगर 30, 40, 50 डिपेंडिंग ऑन द बैंक, जैसे उनका गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप वो लोन देंगे. अगर ये आपके दोनों लोन मिला के अगर आप इसके अंदर आते हैं तो सेकेंड पर्सनल लोन आपको मिल सकता है. या तो आपने जिस बैंक से पहला पर्सनल लोन लिया था उनके पास भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं टॉप अप लोन के लिए. बिल्कुल, तो टॉप अप आप करा सकते हैं. और ऐसी सिचुएशन में श्रीमोई इंटरेस्ट रेट भी सेम ही रहेगा, जो पहले वाला लोन चल रहा है उसके हिसाब से ही दूसरे का भी होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है. तो वो बैंक तभी केस टू केस बेसिस पे डिसाइड कर सकता है, तभी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से. टॉप अप के सिचुएशन में भी अलग अलग हो सकता है इंटरेस्ट रेट? जी ठीक है. तो विकास, आप दूसरे बैंक के पास भी जा सकते हैं, टॉपअप भी करा सकते हैं. ये दो ऑप्शन आपको श्रीमोई ने बताया. और चलिए एक मेल में यहाँ पर और शामिल करूंगी, हालांकि ये थोड़ा इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है मेल. श्रीमोई, परेश ने हमें सवाल भेजा है. ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी से होम लोन प्रोटेक्शन प्लान इन्होंने लिया हुआ है. 50,000 का प्रीमियम है और एक बार ये प्रीमियम दे भी चुके हैं ऑलरेडी. अब ये समझना चाहते हैं कि क्या सरेंडर कर दें इस होम लोन प्रोटेक्शन प्लान को या फिर इसे जारी रखेंगे. ऐसे सिचुएशन में अक्सर क्या रेकमेंड आप करती हैं श्रीमोई? देखिए, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस ऑलरेडी ले लिया है तो होम लोन के साथ ये जो इंश्योरेंस होता है ये ऐसा होता है, ये बेसिकली आप बैंक को बोलता ये है कि अगर जो बोरोअर है उनका डेथ हो गया तो ये लोन, ये जो इंश्योरेंस है वो लोन रीपे करने के लिए काम आता है. तो बोरोअर के जो फैमिली है उनको मुश्किल में पड़ना नहीं पड़ता है. और ये जो लोन, ये जो इंश्योरेंस है ये लोन के अवधि के साथ साथ घटता जाता है, क्योंकि ये लोन सिर्फ कवर करने के लिए इंश्योरेंस है. अभी ये इंश्योरेंस जो इन्होंने लिया है वो अगर फ्री लुक पीरियड के अंदर है तो वो वापस कर सकते हैं, पर लेकिन ये अगर प्रीमियम जैसे भर चुके हैं तो आगे वो उनका बाकी प्रीमियम भरने से कितना उनका खर्चा होगा. और दूसरा, कोई अगर वो टर्म पॉलिसी लेते हैं
जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस का जो टर्म पॉलिसी लेते हैं, ये दोनों को उनको कंपेयर करना चाहिए और किस में ज्यादा उनका खर्चा हो रहा है, ज्यादा कवर मिल रहा है, इसके हिसाब से उनको डिसाइड करना चाहिए कि आगे का आगे वो क्या करना करने वाले हैं। ऑलराइट, एक बार फिर से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं श्रीमोई, मुझे ये बताएं कि जब कोई लोन लेने जाता है तो बैंक उसका तो क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करता है, अगर कोई गारंटर बनने जा रहा है तो क्या उस कंडीशन में भी बैंक उसका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, किन चीजों की जरूरत होती है और किस तरह की जांच पड़ताल गारंटर के लिए एक बैंक करता है? एक गारंटर से भी बैंक यही समझना चाहता है कि वो कर्ज चुका पाएंगे कि नहीं, तो उनसे भी उनके एसेट्स के पेपर, जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट के पेपर या उनके कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स मांग सकता है बैंक, और ये लोन अमाउंट पे डिपेंड करेगा। उनके बेसिकली उनका जो कर्ज वो दे पाएंगे कि नहीं, ये असेस करने के लिए जो भी बैंक को चाहिए बैंक मांग सकता है गारंटर से, और उनका क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। और एक सवाल और है मेरा श्रीमोई, क्या मैं जो काम करती हूँ, मतलब मेरा जो पेशा है, उससे जुड़ा हुआ भी लोन लेने की क्षमता होती है? मतलब मैं सपोज बहुत ज्यादा इंडिया के बाहर रहती हूँ, मैं देश में बहुत काम हूँ, ज्यादातर ट्रैवल वाली मैं जॉब करती हूँ, या मैं बहुत जोखिम वाला काम करती हूँ, तो ऐसी कंडीशन में भले ही मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, क्या बैंक एक गारंटर की मांग करेगा अगर मैं लोन लेने जाती हूँ तो? जी, ऐसे केसेस में जैसे होम लोन एक लंबा एक लंबी अवधि का लोन है, राइट, तो ऐसे केसेस में जहां पे इनकम अनस्टेबल है या जो काम है वो जोखिम वाला है, उसमें गारंटर का मांग कर सकता है कोई कोई बैंक अपने गाइडलाइंस के हिसाब से। ऐसा कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस में लोन अमाउंट ज्यादा होने से और इनकम अनस्टेबल होने से बैंक मांग सकता है गारंटर। ऑलराइट, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां गारंटर की मांग जरूर होती है, जैसे अगर आप एजुकेशन लोन लेने वाले हैं जैसे श्रीमोई ने बताया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार गारंटर बनना आपके लिए फायदेमंद हो, ज्यादातर केसेस में ये नुकसान ही पहुंचाता है। तो किसी के भी गारंटर अगर आप बनने जा रहे हैं तो 10 बार सोचें इस बारे में, क्योंकि भविष्य में आपको लोन लेना महंगा पड़ सकता है। और श्रीमोई, आज आप हमारे साथ शो में जुड़ी और व्यूअर्स की क्वेरी का भी आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी बिजनेस।